आज एक न्यूज़ सुनने को मिली कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया जिसने कि मॉन्ट्रियल का स्टडी वीजा अप्लाई किया सी। कारण जितों तक दसिया जा रहा है कि बच्चे का रिजल्ट काफ़ी लेट हो गया सी, तां करके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। यही पता इस न्यूज़ के विच किन्ना सच है किन्ना झूठ है कि यही रीज़न सी, पर जे हाँ ये रीज़न सी तो मैं इतने स्टूडेंट्स में यही कहना चाहती हाँ कि प्लीज़ तुसी इदा दा कोई कदम ना चुको कि उदा हरजाना तुहाडे पेरेंट्स नू भुगतना पवे। आपां इहो जिहा कदम चुक लैंदे हाँ बट पिछे अपनी फैमिली रह जाती उहदे बारे नहीं सोचदी। ये तुहाडे हाथ च है, तुसी पेरेंट्स दे नाल रहना, अपने फैमिली दे नाल रहना या कैनेडा रहना या दुनिया च नहीं रहना। ये बहुत वड्डा स्टैप हुंदा है। इस स्टैप नूं चुकन तो पहलां तुसीं 10 बार सोचो। ठीक है तुसीं अप्लाई कीता है, कोविड के चलते सिचुएशनस इन्नियां क गड़बड़ा गई ने कि आपां नूं पता नहीं लग रहा की करिए की ना करिए। मैं इत्थे कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रही, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स नूं इन्ना गाइड करना चाहती हाँ कि हाँ जेकर तुहानूं लग रहा कि तुसीं तुहाडे पेरेंट्स तुहानूं फाइनैशियली इन्ना सपोर्ट नहीं इनिशियली कर सकते, तो हर एक सिटी के हर एक मुहल्ले अजक कंसलटेंट बैठे ने जेडे कि आफ्टर वीज़ा पेमेंट लै रहे हैं। मैं यही नहीं कहती तुम इतों अपलाई करो, मैं बार बार कह रही प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तुम कृपा करके उन्होंने मिलो सारियां कि आफ्टर वीज़ा पेमेंट हो जाए तो कि इनिशियली थोड़े तो बर्डन ना रहे तो तुम इदा के स्टैप ना चुको। यही मेरी सारे बच्चों रिक्वेस्ट है कि जेकर थोड़ा वीज़ा हजे नहीं आ रहा तो तुम बारे अपने कंसल्ट करो दोबारा कि चक्कर है, क्यों नहीं आ रहा, आ नहीं रहा तो कि टाइम लगेगा। पर प्लीज़ इदा का कोई स्टैप ना चुको कि फैमिली में उसका भुगतान करना पड़े।